तो गाइज ये रहा अपना गोप्रो हीरो 9, ब्रांड न्यू गोप्रो है। यहाँ पे लिखा आ रहा है हीरो 9 ब्लैक। सो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल गाइज, यू कैन एंटी राइडर एंड आई होप आप सब बढ़िया हो। तो गाइज यार आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। अगर कोई भी आप में से गोप्रो यूज़र है और आपका गोप्रो ख़राब हो गया है या आपको लगता है कि कैसे ये रिप्लेस होगा अगर ख़राब हो जाता है, क्योंकि आपको भी पता है इंडिया में कोई भी इसका सर्विस सेंटर नहीं है ऑथोराइज्ड, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है, वीडियो आपके लिए। मेरा भी गोप्रो हीरो 8 ख़राब हो गया था, मैंने कैसे उसे रिप्लेस कराया है अंडर वारंटी विदाउट अ सिंगल रुपये, तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। और एक फ़न फैक्ट बताऊँ, मेरे पास गोप्रो हीरो 8 था, मैंने वो रिप्लेस कराया है और गोप्रो ने मुझे हीरो 9 ब्लैक दिया है। तो अगर आप ये जानना चाहते हो तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना, और चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए मिलते हैं वीडियो में। तो गाइज यार जैसे मैंने कुछ टाइम पहले गोप्रो हीरो 8 परचेज़ किया था और उसकी अनबॉक्सिंग वीडियो भी डाली थी, अगर किसी ने नहीं देखी है तो यहाँ आई बटन में लिंक शेयर कर दूंगा, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं। तो काफ़ी सही चल रहा था यार हीरो 8, मैं काफ़ी खुश था उससे। और लास्ट वीडियो जो मैंने बनाई थी अरावली हिल्स की, तो उसके बाद मेरे गोप्रो में एरर आना स्टार्ट हो गई। तो एरर मैं आपको बता दूंगा कहाँ आ रही थी, तो उसमें एसडी कार्ड की एरर आ रही थी। मैं अगर रिकॉर्ड करता था उसे, लाइक 5 और 10 सेकंड के लिए रिकॉर्ड होती थी वीडियो, उसके बाद उसमें एसडी कार्ड एरर आ जाता था और उसके बाद डिवाइस सॉरी जो कैमरा है वो रिबूट या फॉर्मेट होने के लिए मांगता था एसडी कार्ड। तो एसडी कार्ड फॉर्मेट होने के बाद भी उसे रिजॉल्व नहीं हो रहा था गाइस यार, तो काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं। मैंने गोप्रो पे कॉल करी तो उन्होंने मुझे कुछ ट्रबल शूटिंग स्टेप्स बताए कि आप मैनुअल अपडेट कर लो, एसडी कार्ड को फॉर्मेट कर लो किसी लैपटॉप से या कैमरे से, या नया एसडी कार्ड ले लो। मैंने सारी चीज़ें ट्राई करी, मैंने एक सैंडिस्क का एसडी कार्ड यूज़ कर रहा था 128 GB जो कि कंपैटिबल है वीड, और उसके बाद मैंने सैमसंग का E8 GB उसे ट्राई करा, उस पर भी सेम एरर आई गाइस। तो मैंने विद इन अ डे मैंने वो एसडी कार्ड जो है वो रिटर्न करा दिया फ्लिपकार्ट को। उसके बाद मैंने फिर से गोप्रो पे कॉल करी, कॉल कैसे करनी आपको वो आपको प्रोसेस में बता दूंगा। कॉल करने के बाद उनसे बात हुई तो डायरेक्ट सिंगापुर या जो भी उनका US में कस्टमर केयर सर्विस बैठता है उनसे सीधा बात होगी। उनका वर्किंग आवर्स क्या है मैं आपको अभी प्रोसेस बता दूँ कैसे करना है, तो उनसे बात करके सारा कुछ बताना है उनको, उनसे कहना है कि मैंने सारी ट्रबल शूटिंग स्टेप्स जो है फॉलो कर ली हैं उसके बाद भी रिजॉल्व नहीं हो रहा है। तो चलो मैं अभी फ़ोन की स्क्रीन पर आपको बताता हूँ किस तरह से हम ये इशू रेज़ कर सकते हैं, कैसे कॉन्टैक्ट करना है, क्या क्या डिटेल्स चाहिए, आपको कुछ पेमेंट देनी है या नहीं देनी है, सारा प्रोसेस मैं आपको बताऊँगा। मेरा 0 पेमेंट में हुआ है, मेरा गोप्रो हीरो 8 जो है रिप्लेस हुआ है और मुझे मिला है गोप्रो हीरो 9 ब्लैक ब्रांड न्यू कंडीशन विद अ न्यू बैटरी। तो अभी मैं दिखाता हूँ आपको कैसे। सो गाइज हम आ गए हैं फ़ोन की स्क्रीन पे, और गोप्रो के कस्टमर केयर पे कॉन्टैक्ट करने से पहले सबसे पहले आपको घबराना नहीं है, आपको सिंपली टाइप करना है GoPro.com या गोप्रो सपोर्ट पे आप कर सकते हो टाइप, और आपका ये community.gopro.com वाला टैब खुलेगा। मैं इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा। आपको क्या करना है, सीधा नीचे आना है, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का ऑप्शन है, आपको नीचे भी मिल जाएगा, आप दोनों में से किसी पे भी क्लिक कर सकते हैं, यहाँ कर लो। कॉन्टैक्ट अस में आने के बाद जैसे हम सिंपली क्या करेंगे, नीचे हमें ऑप्शन दिख जाएगा, तो हम यहाँ पे प्रोडक्ट सपोर्ट सेलेक्ट करेंगे अपना प्रोडक्ट, जैसे मेरा हीरो 8 ब्लैक था, मैंने हीरो 8 ब्लैक सेलेक्ट करा। सीरियल नंबर पूछेगा, आप अपना गोप्रो ऑन करके अबाउट सेक्शन में जाएंगे तो वहाँ पे आपको सीरियल नंबर दिख जाएगा, या फिर आप अपने गोप्रो की बैटरी रिमूव करेंगे उसके अंदर लिखा होगा, तो मैंने ऐसे ही रैंडमली कुछ डाल दिया, आप लेकिन सही डालेगा। रीज़न लिखिए, मेरा एसडी कार्ड एरर था तो मैं एसडी कार्ड एरर लिख रहा हूँ। अपना फर्स्ट नेम लिखेंगे आप, लास्ट नेम लिखेंगे, यहाँ पे इंडिया का कंट्री कोड सेलेक्ट करना है। कॉन्टैक्ट अस पे आप जाएंगे तो दो ऑप्शन मिलेंगे आपको, स्टार्ट चैट और रिक्वेस्ट अ कॉल। तो रिक्वेस्ट अ कॉल पे आप क्लिक करेंगे और आपको 5 मिनट के अंदर अंदर कॉल आ जाएगा।
एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, क्योंकि उनका अमेरिकन एक्सेंट होता है तो काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है वो समझना और बात करना। अगर आपकी इंग्लिश सही है तो फिर नो प्रॉब्लम। के लिए आपका ये फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल आईडी पूछेंगे, देन उसके बाद आप उन्हें पूरा प्रोसेस बताएंगे, ये एरर आ रही है, वो आपको फिर ट्रबल शूटिंग के स्टेप्स बताएंगे। तो अगर आपका ट्रबल शूटिंग स्टेप से हो जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं होता तो आप उन्हें कहेंगे कि मैंने ऑलरेडी ये ट्रबल शूटिंग स्टेप्स पूरे कर लिए हैं और मुझे अभी इसको आगे प्रोसेस कराना है। तो उन पे फिर और कोई ऑप्शन नहीं बचता है अगर सारे ट्रबल शूटिंग स्टेप्स हो गए। तो कुछ ऐसा लिंक आएगा गोप्रो सपोर्ट की तरफ से, हाय आपका नाम, और ये लिंक होगा जिसमें कि आपको अटैचमेंट्स अपलोड करने हैं। अटैचमेंट्स क्या क्या उन्होंने कहेंगे, जो जो बोलेंगे, मोस्टली तो वो यही कहेंगे कि अपना सीरियल नंबर का फ़ोटो भेजिए, जो एरर आ रही है उसका फ़ोटो भेजिए, और जो आपका परचेज प्रूफ है, बिल है, अगर आपने फ्लिपकार्ट अमेजोन से लिया तो उसका इनवॉइस डाउनलोड करके आप भेज सकते हैं, मीन्स भेज देंगे, वो फिर रिटर्न के लिए आगे प्रोसेस करेंगे उसको। एंड फिर 2 मिनट का वो आपको होल्ड पे रखेंगे, उसके बाद जैसे ही रिटर्न का अप्रूवल आ जाता है तो वो आपको कंफर्म कर देंगे कि क्या आपका रिटर्न का अप्रूवल आ गया है। जैसे मैंने कहा था कि मेरा GoPro 8 ख़राब हुआ है, तो फिर उन्होंने कहा कि मेरे पास GoPro का 8 का स्टॉक नहीं है अभी हमारे पास। तो मैं तो फिर डर गया था उस चीज़ के लिए कि यार अभी तो और टाइम लगने वाला है, लेकिन उन्होंने तुरंत कहा कि हम आपको GoPro 9 दे देंगे, कि कुछ चार्जेस लगेंगे, तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, शिपिंग से लेके GoPro से लेके सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है, हमें बस ये पैकेज जो है वो ड्रॉप कर देना है किसी UPS सेंटर पे। उसके बाद आपको एक और मेल आएगा, वेरीफाई एड्रेस, ये एड्रेस होगा आपका शिपिंग एड्रेस, तो आप इस पर अपना शिपिंग एड्रेस डालेंगे, वो तुरंत ही एक जनरेट करेंगे आपके लिए, तो वो आपको एड्रेस वेरिफिकेशन के लिए लिंक भेजेंगे, आपको उस पर अपना शिपिंग एड्रेस डालना है, और उसमें एक एरर आएगी, अगर कुछ एरर आती है, पिन कोड सेलेक्ट नहीं होता है, तो कोई इशू नहीं, आप उसे सबमिट कर दीजिए, उनके पास डिटेल चली जाती है, तो आप बस डिटेल्स कंफर्म कर लीजिएगा, वो तुरंत ही आपका रिटर्न के लिए जो भी रिक्वायरमेंट्स हैं वो जनरेट कर लेंगे, आपको फिर ये मेल आ जाएगा, आपका रिटर्न का जो ट्रैकिंग नंबर है वो आ जाएगा, कुछ आपको इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे इस पे। पैकेज में आपको सिर्फ GoPro डालना है, बैटरी SD कार्ड आपको निकाल देना है और कुछ नहीं डालना आपको। तो ये सब चीज़ें इस पे इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं, मैं बता भी दूंगा आपको, ये लेबल वो क्रिएट कर देंगे जिस पे एड्रेस होगा आपका, जहाँ वो शिप होगा सिंगापुर में, UPS, UPS एक कुरियर कंपनी है जो कि इंटरनेशनल डिलीवरी शिपिंग करती है, तो एक तो आपको ये लेबल मिलेगा जो कि आपके कुरियर के बॉक्स पे रहेगा, इनवाइस आपको मिलेगा, कमर्शियल यूज़ के लिए आपको इसको कुछ नहीं करना है, बस प्रिंट आउट निकाल के रखना है। थर्ड होगा एक RMA फॉर्म होगा जिसमें लिखा होगा कि क्या रिटर्न करना है आपको, तो Hero 8 ब्लैक है, बैटरी और जो SD कार्ड है वो आपको निकाल के अपने पास रख लेना है। गाइज़ यार आपको ऐसे कॉल करना है GoPro के कस्टमर केयर सपोर्ट पे, और मेल पे आपको जो भी डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे वो आपको मेल कर देंगे, इनवॉइस आपको आ जाएगा, RMA फॉर्म आ जाएगा, तीसरा आपको जो है लेबल आ जाएगा जो कि आपको बॉक्स के बाहर से पेस्ट करना है, इनकी आप 3 से 4 फोटोकॉपी करके जा सकते हो, और अपने आधार कार्ड की भी फ़ोटोकॉपी रख लेना। उसके बाद आपको क्या करना है, बॉक्स में इन्हें पैक करना है, बॉक्स को सील मत करना, बॉक्स को लेके UPS सेंटर चले आना, जो भी आपका नियर बाई UPS है, वहाँ जाके आप उनको ये बॉक्स देंगे, वो लेबल को जो है स्कैन करेंगे, खुद ही उसको पूरा पैकेज के अंदर डालेंगे वो GoPro चेक करके, ध्यान से उसके अंदर से बैटरी SD कार्ड निकाल लेना, लेबल खुद ही चिपकाएंगे, सब कुछ प्रोसेस करके वो आपको स्लिप दे देंगे या अपना नंबर कॉन्टैक्ट दे देंगे कि 2 से 3 दिन में आपका ऑर्डर जो है डिलीवर हो जाएगा, आप उसे ट्रैक कर सकते हैं, जो कि लेबल पर आपको ट्रैकिंग ID दी रहती है, जब वो पहुँच जाएगा वहाँ पर तो उसके बाद आप GoPro से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। मैंने कांटेक्ट करा था क्योंकि मेरा 2 दिन पहले पहुंच चुका था, और सडनली फिर मुझे UPS से कॉल आया कि आपका सिंगापुर से एक पार्सल आ रहा है, आप हमें KYC के लिए अपना आधार कार्ड और एक फॉर्म होता है कंसेंट फॉर्म वो साइन करके भेज दो। वो मैंने मेल पे भेज दिया था और विदिन 2 डेज़ मुझे मेरा ऑर्डर जो है डिलीवर हो गया। तो मोस्टली इस प्रोसेस में मुझे लगा था 1 वीक का प्रोसेस था, 1 वीक के अंदर मेरा जो फॉल्टी GoPro 8 था वो सिंगापुर उनके वेयर हाउस में पहुँच गया था, और मुझे ब्रांड न्यू GoPro Hero 9 ब्लैक मिल चुका था। तो
ये रहा अपना हीरो 9 ब्लैक ब्रांड न्यू। तो आई होप गाइज यार आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल पर फर्स्ट टाइम आ रहा हो तो चैनल को कर दो सब्सक्राइब। दिस इज़ यू के 9 डोंट राइट, बाय बाय।